experience something glorious unacademy combat compete crack conquer a challenging gate contest engineered to give you an experience like none other where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you unacademy combat is the most competitive gamified contest for gate till date with the best of the questions by best educators with detailed video solutions from top educators Right after each contest, combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.

तो मेरे दोस्त आगे आज हम बढ़ लेंगे कल हम लोगों ने अपने कुछ ब्रह्मास्त्र पॉइंट देखे थे फॉर सॉल्विंग द आज भी उसको यूज कर रहे होंगे और कल भी उसके कुछ झलक आपको दिख रहे होंगे तो मेरे दोस्त बड़ा है बड़ शेयर कर देना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड डू हिट द बेल आइकन मेरे दोस्तों तो बढ़ने से पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ अपने बारे में और बता देता हूं मेरे दोस्त सो आई एम टीचिंग दिस फील्ड सिंस लास्ट सिक्स छह सालों से पढ़ा रहा हूं क्वालिफाइड येन्स इन टू थाउजेंड फिफ्टीन

And have a proper strategy. आपका जो नया बेस्ट शोर है वो आठ आपका अमनराज सर और साथ ही साथ आपका आरसीसी भी शुरू हो रहा है तो अगर आप प्लान करो कैन ज्वाइन फॉर मंथ और ट्वेंटी फोर मंथ यूज इन द कोडेन प्लस माइ डियर फ्रेंड और मेरे दोस्त इज अफर अगेन फॉर यू ऑल अगर आप ट्वेल्व मंथ प्लान कर रहे हो यू गैट टू मंथ इट्स वैलिड फॉर दिस वीक चलिए मेरे दोस्त आ गए सब लोग यस 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 चलो ओके गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी गुड इवनिंग एवरी तो मेरे दोस्त आज आज हम देख देख रहे रहे होंगे होंगे कल कर कर जितना हमारे काम का का था सारा method of joint related, सारी बातें जा पे जाके करते हैं चलिए मेरे दोस्त method of section का अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपको होता है वो आपके पॉइंट होता है कि सेक्शन कैसे काटा जाए कॉलेज में आपने बहुत बार मेथड ऑफ सेक्शन सोचा होगा करने का लेकिन सेक्शन काटने में प्रॉब्लम आती होगी तो मेरे दोस्त ये सारी बातें हम लोग अभी कवर करने वाले हैं सेक्शन कैसे लेते हैं हाउ डू यूज द मेथड ऑफ सेक्शन वो सारी बातें कर रहे होंगे ठीक है तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग लाइक और शेयर कर चुके होंगे मेरे दोस्त यस 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 जल्दी से बताएंगे सब लोग जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे सब लोग ओके ओके सब मेथड ऑफ जॉइंट लेक्चर किधर है अरे बेटा कल जो तुमने किया ही ना वो मेथड ऑफ जॉइंट ही किया है तुमने जॉइंट भी जाके एनालिसिस कल कर लिया ऑलरेडी कल आपको लैमिस थ्योरम पढ़ाया था वो क्या था? किया था आपने जॉइंट एनालिसिस वो किया था चलिए ठीक है कल आपने जो मेथड ऑफ जॉइंट पढ़ा था कल आपने जो पढ़ा था ब्रह्मास पढ़ा या आपने क्वेश्चंस लगाए आपने जॉइंट पे जाके कि एनालिसिस किया तो सारा था क्या वो सारा मेथड ऑफ ज्वाइंट का ही तो पार्ट था वो सारा मेथड ऑफ ज्वाइंट का ही तो पार्ट था यस yes? चलिए मेरे दोस्त ओके ओके लेट्स लेट्स स्टार्ट स्टार्ट देन देन सो मेरे दोस्त वी आर गोइंग टू मूव द मेथड ऑफ सेक्शन तो देखो मेथड ऑफ सेक्शन का सबसे बड़ा फायदा क्या है मेथड ऑफ सेक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये है आप कोई भी एक मेंबर इंटरमीडिएट मेंबर बड़ा से बड़ा ट्रस्ट क्यों ना दे दे कोई भी इंटरमीडिएट मेंबर में आपको पूछेगा फोर्स क्या होगा आपको बस करना क्या सेक्शन कट करना है सेक्शन कट करना है और मेरे दोस्त आप डायरेक्टली क्या बता दोगे? उस पे बता दोगे ठीक है तो यही बात बी फाउंड विदाउट फाइंडिंग द फोर्स इन एनी अदर है, है बात आप किसी भी मेंबर पे फोर्स बता सकते हो विदाउट फाइंडिंग द फोर्स इन एनी अदर मेंबर आप डायरेक्ट उस पे फोर्स बता सकते हो कैसे यूज करते हैं कैसे निकालते हैं समझना बात को ध्यान से यू आर गोइंग टू कट द सेक्शन आप एक सेक्शन कट करोगे जब सेक्शन कट कर रहे कट मतलब, हो रहा होगा क्लियर है बात सो यू आर गोइंग टू टेक अ सेक्शन पासिंग थ्रू दैट मेंबर पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट आप सेक्शन कुछ इस तरीके से कट कर रहे होगे कि कोशिश करोगे ठीक है कि आप मतलब आपका ट्रस्ट दो पार्ट में बट जाना चाहिए पहला पॉइंट द ट्रस्ट शुड बी डिवाइडेड इन टू पार्ट सेकेंड पॉइंट जब कट कर रहे होगे तो कोशिश यह करोगे कि तीन से ज्यादा मेंबर कट ना हो क्या बोल रहे मेरे दोस्त जब आप मेंबर को कट कर रहे होगे, जब सेक्शन कट कर रहे हो तो आप कोशिश क्या कर रहे हो कि तीन से ज्यादा मेंबर कट ना हो अब ऐसा क्यों मेरे दोस्त देखो जो भी मेंबर कट होता है जो भी मेंबर कट होता है उसका फोर्स अननोन बन जाता है

ठीक है कोशिश ये करना है कि तीन से ज्यादा मेंबर कट ना हो उसके बाद हमने क्या बोला कि ऑल द कट मेंबर जितने अगर मानो तीन मेंबर आपने कट किया तीनों मेंबर एक ही से पास नहीं होने चाहिए और उसके बाद क्या बोले सेक्शन शुड नॉट पास फ्रॉम अ ज्वाइंट एक ज्वाइंट आपका सेक्शन पास नहीं कर रहा होगा तो सेक्शन काट सेक्शन कट करने का कुछ रूल्स मैंने आपको बताया सेक्शन कट करने का कुछ रूल्स मैंने आपको बताया पहला बात यह बोला

जब आप सेक्शन कट करोगे मेरे दोस्तों जो मेंबर कट हुआ है वो मेंबर का फोर्स अननोन हो जाएगा और क्योंकि मेरे पास तीन ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं तो हम तीन से ज्यादा अननोन में प्रॉब्लम होगा मेरे को क्लियर है बात तो इसी कारण से इसी कारण से वी विल बी गोइंग फॉर थ्री मेंबर कटिंग उसके बाद हमने क्या बोला कि यार देखो जो मेंबर आपके कट हो रहे हैं ना जो मेंबर आपके कट हो रहे हैं सारे कट मेंबर एक ही ज्वाइंट से पास नहीं होने चाहिए क्यों अगर सारे कट मेंबर एक ही ज्वाइंट से पास हो गए तो दो ही इक्विलिब्रियम बचेगा तो आप दो से ज्यादा मेंबर कट नहीं कर पाओगे दो क्यों बचेगा मोमेंट वाला इक्वेशन आपका गायब हो जाएगा। अगर ही point clear है तो मेरे दोस्त मेरे दोस्त हमने क्या किया सेक्शन कट कर लिया ये समझ लिया सेक्शन कैसे कट करते उसके बाद हम क्या देखेंगे सपोर्ट सपोर्ट रिएक्शन रिएक्शन अगर निकालना जरूरी है तो निकालेंगे नहीं निकालना जरूरी तो नहीं निकालेंगे ठीक है ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपका तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है एक सेक्शन के एनालिसिस के लिए तो तीन में से कोई एक यूज करोगे और डायरेक्ट उस मेंबर पे क्या बता रहे होगे फोर्स बता रहे होगे तो लेट्स मूव ऑन वन बाय वन लेट्स सॉल्व क्वेश्चन ज्यादा बेटर समझ में आएगा ज़्यादा समझ आएगा को और कर देंगे मेरे दोस्त फटाफट फड़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे तभी मज़ा भी आएगा पीपल आर गोइंग टू ज्वाइन मोर वी आर गोइंग टू लव इट कितने लोग को सेक्शन काटने में डर लगता है कितने लोग को सेक्शन काटने में डर लगता है हाउ मेन फ्यू फियर फ्रॉम कटिंग द सेक्शन उ मैन यूफ यू फियर फ्रॉम कटिंग द सेक्शन कितनों को ऐसा लगता है कि सेक्शन काटना सबसे बड़ा टफ काम है यस yes? यस yes? कितनों को ऐसा लगता है कि सेक्शन काटना सबसे बड़ा टफ काम है शलिवेर दोस्त तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फोर्स इन द मेम्बर बी सी बीई और ए ये तीनों बताना है फोर्स इन द द मेंबर बी एंड ये तीनों आपको बताना है वी आर गोइंग टू यूज मेथड ऑफ सेक्शन वी आर गोइंग टू यूज द मेथड ऑफ सेक्शन मेथड ऑफ सेक्शन हम यूज करेंगे और बी सी बी और ए पे फोर्स बता रहे होंगे तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो सेक्शन काटना सीखो सबसे पहले तो सेक्शन काटना सीखो कि सेक्शन कैसे काटते हैं आपको मैंने तीन पॉइंट बोला सेक्शन कट करने के लिए पहला इतना तो पता है जो मेंबर पे चाहिए उससे सेक्शन पास होना चाहिए इतना तो कंफर्म है इतना तो पता है सबको है ना मेरे दोस्त तीन पॉइंट ये बोला कि जब सेक्शन कट कर रहे हो तो आपका ट्रस्ट दो पार्ट में बढ़ जाना चाहिए तो सर आपका मान लो बीसी मेंबर चाहिए सो वेन यूर कटिंग द सेक्शन द ट्रस्ट शुड बी डिवाइडेड इन टू पार्ट तो ऐसा सेक्शन हो सकता है ये भी सेक्शन हो सकता है तो कि हमको बीसी पे चाहिए यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है सही बात है क्या सही बात है क्या पहले बोलोगे आराम से चलेंगे समझोगे बताते चलोगे चैट में रिप्लाई करते चलोगे मेरे दोस्त मैंने पहले बोला पीडीएफ आपको मिल जाएगा फोकस ईयर फोकस ईयर तो मेरे दोस्त मैंने पहला पॉइंट बोला सेक्शन कट करने के लिए कि व्हेन यू आर कटिंग द सेक्शन Obviously, आपका सेक्शन ज्वाइंट से पास नहीं हो सकता सो so, आपको पॉइंट क्या बोला कि ट्रस्ट शुड बी डिवाइडेड इन टू सो ट्रस्ट शुड बी डिवाइड टू पार्ट मतलब अलग अब कोई जरूरी नहीं हो इक्वल हो इट शुड बी डिवाइडेड इन टू पार्ट इट शुड बी डिवाइडेड इन टू पार्ट ठीक है दो पार्ट में डिवाइड होना चाहिए तो आप इन चारों में से कोई भी एक अभी पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इन चारों में से कोई भी आप बात करोगे आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है दूसरा कंडीशन क्या था दूसरा कंडीशन था कि तीन से ज्यादा मेंबर कट नहीं होना चाहिए दूसरा कंडीशन का कि कोशिश करेंगे तीन से ज्यादा कट ना हो तो तीन 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 दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड है दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड है तीसरा कंडीशन क्या बोलता है तीसरा कंडीशन बोलता है सारे कट मेंबर एक ही ज्वाइंट से पास नहीं होने चाहिए सारे कट मेंबर एक ही ज्वाइंट से पास नहीं होने चाहिए तो पहला अलाउड नहीं है सारे कट मेंबर एक ही ज्वाइन से पास नहीं होने चाहिए अलाउड है सारे कट मेंबर एक ही ज्वाइन से पास नहीं होने चाहिए अलाउड है सारे कट मेंबर एक ही ज्वाइन से पास नहीं होने चाहिए अलाउड नहीं है इज इट क्लियर टू ऑल अरे समझ में आया सेक्शन कैसे कट करना है समझ में आया तो आप या तो टू टू ले सकते हो या तो थ्री थ्री कोई भी एक ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है

टू ले रहे क्यों ले रहे बीसी बी ए तीनों के लिए कट हो जा रहा है ठीक है हमको तीन निकालना है बीसी बी ए तो टू टू तीनों को काट दे रहा है मतलब तीनों मेरा एक ही सेक्शन में दिख जाएगा हमको फिर से, से सेक्शन लेना नहीं पड़ेगा ठीक है बात अब देखो यहां पे देखो अब यहां पे सब लोग आपका कट सेक्शन हम बना रहे हैं मेरे दोस्त ड्रॉइंग द कट सेक्शन ड्रॉइंग द कट सेक्शन जस्ट सी हट जब तक समझोगे नहीं मजा नहीं आएगा ठीक है इसलिए प्रॉपर तुमको बना के दे दे रहे कि यू अंडरस्टैंड चलिए देखिए अभी यहां पे। सो यहां पे आपका सपोर्ट दिखाना मत भूलना मेरे दोस्त सपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है सपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है तो ज्वाइंट्स क्या क्या दिया हुआ है ए बी सी डी ई और लोड जो लगा हुआ है वो भी मत भूलना ए बी सी डी ई और यहां पे आपका डाउनवर्ड लोड है ट्वेंटी न्यूटन का ये सारी बातें दिख रही है हमने सेक्शन लिया है यहां पे हमने यहीं पे सेक्शन लिया है ये सेक्शन आपका क्या क्या था यही सेक्शन आपका टू टू था तो देखो मेरे दोस्त आपने जो सेक्शन लिया एकदम प्रॉपर आपको दिख रहा होगा आपने ट्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है मिडिल से नहीं कर सकते ज्वाइंट से पास नहीं हो सकता मैंने पहले ही बात बोल दिया योर योर सेक्शन कैन नॉट पास थ्रू द ज्वाइंट इट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल इट योर सेक्शन शुड नॉट पास थ्रू ज्वाइंट इट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ठीक है बेटा आपका जो सेक्शन है ज्वाइंट से पास नहीं करेगा ये बात क्लियर होना चाहिए ठीक है अब समझोगे बात को ध्यान से तो हमने क्या किया जब आपने सेक्शन लिया ट्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अब हमने अब क्या बोला जो मेंबर आपका कट हुआ होगा उसी का फोर्स तुम्हारे लिए अननोन होगा मतलब मेरे अननोन फोर्सेस कौन होंगे जब हम सेक्शन कट किए हैं जब सेक्शन कट किए हैं तो मेरे अननोन फोर्सेस कौन होंगे जो हमको इस सेक्शन के थ्रू मिल सकते हैं फोर्स इन द मेंबर BC फोर्स इन द मेंबर BE और फोर्स इन द मेंबर ए. इस सेक्शन के थ्रू आप ये तीन मेंबर पे फोर्स निकाल सकते हो और यही हमको निकालने बोला भी है और यही हमको निकालने बोला भी है टेल मी यस और नो यही हमको निकालने बोला भी है सो आई कैन फाइंड द फोर्स इन द मेंबर BC आई कैन फाइंड द फोर्स इन द मेंबर B आई कैन फाइंड द फोर्स इन द मेंबर AE ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको बेटा आपका सी मेंबर कट नहीं हुआ है तो ये आपका इंटरनली बैलेंस है यह आपको नहीं दिखेगा सी डी मेंबर कट नहीं हुआ ये इंटरनली बैलेंस है डी मेंबर कट नहीं हुआ ये इंटरनली बैलेंस है सिमिलरली अगर ए बी मेंबर बात करें ये भी कट नहीं हुआ ये इंटरनली बैलेंस है तो ये आपके इक्वेशन में नहीं दिखेगा ये आपके इक्वेशन में नहीं दिखेगा इज इट क्लियर नाउ चलिए अब देखेंगे आगे सब लोग अब देखेंगे आगे सब लोग सो फोर्स इन में बीसी बी एंड ए बीसी बी एंड ए बीसी पे निकालना है बी पे निकालना है और ए पे निकालना है। कोई भी एक पहले पकड़ते हैं कोई भी एक पहले पकड़ते हैं हैं। और उसका एनालिसिस करते तो मान लीजिए हम पकड़ लें कौन बीसी और बी सी अब मेरे दोस्त या तो तुम एल एच एस ले सकते हो या तो तुम आर एच एस ले सकते हो कोई भी एक ले सकते हो ठीक है डिपेंडिंग ऑन योर आपका कौन सा पार्ट आसान पड़ेगा उसके अनुसार आप सिलेक्ट कर सकते हो मेरे दोस्त चाहे तुम एल एच एस टू टू का चाहे तुम आर एच एस लो क्या तुमको सपोर्ट दिख रहा है चाहे चाहे तुम तुम लो लो या तुम लो, क्या तुमको सपोर्ट दिख रहा है तो मेरे दोस्त अगर हमको एल एच एस आर एच एस दोनों में सपोर्ट दिखेगा तो हम क्या करेंगे हमको सपोर्ट रिएक्शन निकालना पड़ेगा क्लियर है बात बिना सपोर्ट रिएक्शन निकाले आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हो तो मेरे दोस्त लोड लगा हुआ है सिमेट्री दिख रहा है तो दोनों पे रिएक्शन कितना कितना हो गया 20 का लोड लगा है तो दोनों पे रिएक्शन कितना हो गया 10 किलो न्यूटन 10 किलो न्यूटन इज इट क्लियर टू ऑल बोलेंगे मेरे दोस्त दोनों पे जो रिएक्शन आएगा दस और दस का आएगा क्यों आएगा सिमेट्री आएगा क्यों निकालना पड़ा क्योंकि ये जो आप सेक्शन कट कर रहे हो चाहे तुम एल लोगे या आर लोगे वेदर यू टेक द एल और यू टेक द एच दोनों साइड में आपको क्या दिख रहा है सपोर्ट दिख रहा है

को बीसी निकालना है बीसी निकालना है तो या तो एल एच एस लो या तो आरच एस लो कोई फर्क नहीं पड़ता यू कैन गो फॉर एल एच एस मेरे दोस्त आपके पास जो अननोन है उसमें दो मेंबर है और एक इंक्लाइन में समझ रहे बात तो ध्यान से आपके पास तीन इक्वेशन एक समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड समेशन मोमेंट इन द जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो अब मैंने आपको यह बोला था कि इन तीनों में से आप कोई एक इक्वेशन यूज करोगे ठीक है आपको मल्टीपल इक्वेशन यूज नहीं करना है इन तीनों में से आप सिर्फ एक एक यूज करोगे और बता दोगे और बता दोगे कि मेरे दोस्त वट विल बी द फोर्स इन द मेंबर समझा आपको इन तीनों में से सिर्फ एक यूज करना आप सोच के देखना बहुत आराम से अगर आप नेट फोर्स एच के लॉन्ग बात करोगे तो तुमको कितने अनोन मिलेंगे अगर आप फॉर फाइंडिंग द फोर्स इन द मेंबर बी सी आप एक सेक्शन ले रहे हो ये सेक्शन ले रहे हो जिसके तीन अनोन है बीसी मेंबर बी मेंबर का फोर्स और ए मेंबर का फोर्स तो अगर तुम समेशन एफ यूज कर रहे हो तो तुम्हारे पास कितने अननोन आएंगे टेल मी एवरीवन टेल मी एवरीवन यू हैव टू यूज मैंने एलएचएस लेना है इक्विलिब्रियम बात करनी है मेरे पास तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है मेरे पास तीन अननोन है कौन कौन बीसी का फोर्स बी का फोर्स ए का फोर्स हमने बोला अगर तुम समिशन एफएक्स यूज करना चाहते हो फॉर बीसी तो तुम्हारे पास कितने अननोन आएंगे यस प्लीज एवरीवन रिप्लाई बेटा प्लीज एवरीवन रिप्लाई इन द चैट रिप्लाई करोगे तभी मजा आएगा तीन अननोन आएंगे वेरी गुड अर्पिता आलिम शुभम बहुत बढ़िया बेटा एक बीसी का बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एई का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एक इक्वेशन से तीन अननोन सॉल्व नहीं हो पाएंगे ठीक है बात तो भैया समीशन एफ यूज नहीं होगा अगला बात करते एफ़ एफआई यूज कर पाएंगे मेंबर हॉरिजॉन्टल है एफवाई यूज कर पाएंगे मेंबर इज हॉरिजॉन्टल हमको एफआई लगाना है पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है एक ही ऑप्शन बचा कौन सा मोमेंट अब मेरे दोस्त मेरे पास तीन अननोन है हमको एक निकालना है दो को इक्वेशन नहीं लाना है और समीशन मोमेंट लगाना है तो मेरे दोस्त समीशन मोमेंट अगर हमको लगाना है तो हम वो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जिससे बाकी दोनों मेंबर फोर्स पास कर रहा हो हम वो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जिससे बाकी दोनों मेंबर फोर्स पास कर रहा है कितनों को वो पॉइंट दिख गया कितनों को वो पॉइंट दिख गया कितनों को वो पॉइंट दिख गया यस yes? एफेक्ट्स आप नहीं लगा सकते नहीं लगा सकते बचा एक मोमेंट अब मोमेंट अगर यूज करना है तो मैंने क्या बोला हमको वो पॉइंट सेलेक्ट करना है जिससे जिस मेंबर जिस में फोर्स निकालना है उसको छोड़ के बाकी दोनों एक पॉइंट से पास कर रहे हो अगर वो पॉइंट अबाउट मोमेंट लोगे तो डायरेक्ट आप बता सकते हो मेंबर में फोर्स कितना होगा वेरी गुड पॉइंट ई खत्म हो गया गेम खत्म इट तो समेशन मोमेंट अबाउट ई इज इक्वल टू जीरो लेटस ए क्लॉक वाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉक वाइज ये मेरा एजम्पन है आप उल्टा भी मान सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जो एनालिसिस करने जा रहे हो वो एनालिसिस कौन सा है ये वाला तो आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ इससे अभी आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ इससे राइट right पार्ट आपको कोई मतलब नहीं है। हाँ हमको ये पता है कि किससे पास कर रहा है ई e से पास कर रहा है ठीक है बात ओके तो ये दोनों फोर्स ई से पास कर रहा है इसका मोमेंट ई पे जीरो होगा टैंक का मोमेंट ई पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक वाइज के बताना टैंक का मोमेंट ई पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक वाइज बताना टैंक का मोमेंट ई पे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है टैंक का मोमेंट ई पे टैंक का मोमेंट ई पे दिस इज क्लॉक वाइज दिख रहा है सबको क्लॉकवाइज चलिए तो अगर एक क्लॉकवाइज है बैलेंसिंग कैसा होगा बैलेंसिंग विल बी एंटी क्लॉकवाइज ठीक है सर अब देखना है यहां पर आपका मेंबर ये रहा दिस इज योर मेंबर ठीक है बात ये आपका मेंबर है और लीवर आर्म लीवर आर्म मेरे दोस्त नीचे की तरफ है लीवर आर्म नीचे की तरफ है आपको जो रोटेशन चाहिए क्योंकि टैंक के कारण टैंक के कारण कैसा रोटेशन है के कारण कैसा रोटेशन है क्लॉकवाइज है तो बैलेंसिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज चाहिए अब मेरे दोस्त ये आपका लीवर आर्म नीचे की तरफ है बताओ फोर्स का डायरेक्शन किधर लेंगे लेफ्ट या राइट बड़ा सिंपल है राइट हैंड लो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है फोर्स का डायरेक्शन आपको नीचे आना है नीचे आना लीवर आर्म नीचे तरफ ऊपर तरफ नहीं है नीचे तरफ है सो इफ इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इफ इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट में या राइट में फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट में या राइट में टेल मी एवरी वन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट और विल बी टुवर्ड्स राइट राइट हैंड यूज करो लीवर आप नीचे तरफ तो रोटेशन नीचे तरफ दिखाओगे ऐसे करके लाओगे एंटी क्लॉकवाइज सो फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट में या राइट में लेफ्ट में। फोर्स का डैशन आपका लेफ्ट में। तो दिस इज द फोर्स। दिस इज द फोर्स मैंने आपको कन्वेंशनल तरीका नहीं सिखाया है कि सबको टेंशन मान लो पॉजिटिव से देखेंगे नहीं यहां पे हम डायरेक्ट बता सकते हैं फोर्स इन द मेंबर बीसी विल बी कंप्रेसिव इन नेचर हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि फोर्स इन द मेंबर बीसी विल बी कंप्रेसिव इन नेचर यस ऑन नो आई कैन डायट्री टेल यू फोर्स इन बीसी इज कम्प्रेसिव नेचर कैसे भैया दस कर रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन पे तो बीसी करेगा एंटी तो डायरेक्शन देखो डाटी समझ में को कोई डाउट अभी पूछो को तो मेरे दोस्त क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव बोला है so, into, कितना दूरी दिया था ऊपर तीन है सो टेन इंटू फोर टेन इंटू फोर माइनस फोर्स इन द मेंबर बी सी विथ थ्री विल बी इक्वल टू जीरो टू फोर्टी बाई थ्री किलो न्यूटन और ये किस में होगा ये कंप्रेशन में होगा ये किस में होगा ये कंप्रेशन में होगा तो ये आपका पहला पॉइंट निकल गया मजा आया सर फिर बताना सर लेफ्ट कैसे हुआ चलो इसका एक अलग ही पॉइंट ही समझा देते हैं अरे तुम कहां से आ गए रुकोगे हाँ सर देखो देखो यहां पे। मान लीजिए ये मेंबर है ये भी मेंबर है ये भी मेंबर है ये भी मेंबर है ठीक है, है? लीवर आर्म नीचे की तरफ लीवर आर्म दो में नीचे की तरफ लिवर दो में नीचे की तरफ लिवर दो में ऊपर की तरफ ठीक है सर लीवर आम लिवर आम ठीक है सर सो लिवर आम लिवर आम अरे उल्टा लिख दिया देखो अब मेरे दोस्त हमको चाहिए एक में क्लॉकवाइज रोटेशन हमको चाहिए एक में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमको एक में चाहिए क्लॉकवाइज रोटेशन हमको एक में चाहिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ठीक है बात क्लियर है बात अब हमको फोर्स का डायरेक्शन समझना है राइट हैंड पकड़ो यूज द राइट हैंड जब लीवर हम नीचे की तरफ तो नीचे तरफ जाओगे ये क्लॉक ये देखो लीवर आर्म नीचे तरफ अपने उंगलियों को नीचे की तरफ ले जाना है ठीक है और देखना है कि क्लॉकवाइज हो रहा है कि नहीं दिस इज योर क्लॉकवाइज और ये उल्टा आपका एंटी क्लॉकवाइज है सो so, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज रोटेशन दिख रहा है सबको क्लॉकवाइज घड़ी की सुई ऐसे ही घूमती है आपको नीचे की तरफ जाना है आपको नीचे तरफ तो आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपका फिंगर किधर पॉइंट कर रहा है राइट में या लेफ्ट में आपका फिंगर किधर पॉइंट कर रहा है राइट में या लेफ्ट में बोलो मेरे दोस्त फिंगर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट और फिर तुम इधर आ रहे हो सही बात है क्या यस yes नो no? तो फिंगर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट राइट तो मेरे दोस्त होगा राइट right की तरफ इज वर्शन ऑफ फोर्स उल्टा करो अब हमको जाना नीचे की तरफ ही है जाना नीचे की तरफ है लेकिन एंटी क्लॉक वाइज जाना नीचे तरफ है बट एंटी क्लॉक वाइज फोर्स का डायरशन लेफ्ट की तरफ कहीं नहीं मिलेगा ये सब कहीं नहीं मिलेगा ये सब ठीक है अगला देखो अब ऊपर की तरफ जाना है अब ऊपर की तरफ जाना है लेकिन क्लॉकवाइज आना है ऊपर की तरफ जाना है लेकिन क्लॉकवाइज आना है देखो यहां पे ऊपर की तरफ जाना, जाना, जाना है बट क्लॉकवाइज जाना आना है ऊपर की तरफ जाना है बट क्लॉकवाइज आना है ऊपर की तरफ जाना है बट एंटी क्लॉकवाइज जाना आना है ऊपर की तरफ जाना है बट एंटी क्लॉक पर ही जाना है मजा आया सर मजा आया सर यस ये चीज कभी सीखा था कभी ये चीज कभी सीखा था है सर ये चीज कहीं सीखा है कभी चलो अब मेरे दोस्त मेंबर को पलट दो मेंबर कर दो वर्टिकल मेंबर कर दो वर्टिकल मेंबर कर दो वर्टिकल मेंबर कर दिया वर्टिकल ठीक है बात ठीक है बात मेंबर कर दिया वर्टिकल ओके सो मेंबर कर दिए वर्टिकल right? और कर राइट और लीवर आर्म कर दिए राइट लीवर आर्म कर दिए राइट में दिस इज योर लीवर आर्म लीवर आर्म दो में राइट में दो में लेफ्ट में मेंबर आपका वर्टिकल है लीवर आर्म दो बार राइट में कर दिए लीवर आर्म दो बार लेफ्ट में कर दिए लीवर आर्म लीवर आर्म लीवर आर्म हाँ सर मेरे को फोर्स डिसाइड करना है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा मेरे को फोर्स डिसाइड करना है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा आई वॉन्ट टू डिसाइड द फोर्स तो एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज यही बनेगा हाँ सर तो हमको जाना है किधर हमको जाना है किधर इधर क्लॉकवाइज हमको जाना है किधर इधर क्लॉकवाइज फोर्स का डायरेक्शन मेरा लीवर आम इधर है हमको इस साइड जाना है लेकिन क्लॉकवाइज होते हुए जाना है फोर्स का डायरेक्शन बताएंगे मेरे दोस्त अपवर्ड फोर्स सो दिस इज ऑफ़ फोर्स अगले में बताओ मेरे को जाना है इधर लेकिन मेरे को कैसे आना है एंटी क्लॉकवाइज उल्टा आना है ऐसे ये मेरा इधर लीवर आम इधर है हमको इधर लाना है हमको इधर लाना है वट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? इज़ द ऑफ़ फोर्स? डाउनवर्ड इज़ द ऑफ़ फोर्स? डाउनवर्ड ठीक है अगला बात करो यहां पे। अब हमको किधर जाना है हमको किधर जाना है लेफ्ट की तरफ हमको रोटेशन चाहिए क्लॉकवाइज हमको रोटेशन चाहिए क्लॉकवाइज मेरे को जाना है मेरे को क्लॉकवाइज जाना है और लेफ्ट की तरफ रोटेट करवाना है मेरे को क्लॉक वाइज जाना है लेफ्ट की तरफ रोटेट कराना है मेरे को एंटी क्लॉक वाइज जाना है मेरे को एंटी क्लॉक वाइज जाना है ठीक आई वॉन्ट टू गो एंटी क्लॉक वाइज और लेफ्ट की तरफ आना है एंटी क्लॉक वाइज जाना है लेफ्ट की तरफ आना है कैसा लगा सर कैसा लगा सर राइट हैंड ही यूज करना लेफ्ट हैंड मत यूज कर लेना लेफ्ट हैंड में उल्टा हो जाएगा सारा यस चलिए फोर्स लीवर आर्म मोमेंट क्लियर होना चाहिए फोर्स लीवर आर्म मोमेंट क्लियर होना चाहिए चलिए अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे लेट्स कम बैक टू द दॉपिक बेसिक है बचपन के पाप है चलिए कोई नहीं तो फोर्स इन मेंबर बी सी कंप्रेशन समझ में आ गया दिस इज योर क्लॉक वाइज बैलेंस वाई द एंटी क्लॉक वाइज लीवर आर्म नीचे तरफ है सो फोर्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट एंड दैट इंडिकेट कि मेंबर पे क्या लग रहा है कंप्रेशन लग रहा है ये बात क्लियर सबको ये बात क्लियर सबको इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल तो हमने तो हमको तीन चीज निकालना था हमने पहला चीज निकाल लिया फोर्स इन द मेंबर हैव फाउंड द फोर्स इन द मेंबर बी अब अगला निकालना है फोर्स इन द मेंबर बीई द नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द फोर्स इन मेंबर बीई जो अगला हमको निकालना है जो अगला हमको निकालना है वो निकालना है फोर्स और कौन से मेंबर में फोर्स बी में सब लोग देखेंगे सब लोग देखिए लो। ओके तो सेक्शन आपको ऑलरेडी कट हुआ आपको सेक्शन का टेंशन नहीं लेना है अभी आपको देखना है कौन सा इक्वेशन अप्लाई करे अच्छा जब आप इक्वेशन अप्लाई कर रहे होगे आप ये चीज सोच के चलना कि आपको बीसी मेंबर में नहीं पता या आपने निकाला वो बात अलग है लेकिन मेरे दोस्त आपको क्वेश्चन में नहीं पता है

अब आपको बोल रहा है कि बी मेंबर में फोर्स बताओ कितना होगा चलिए फिर से आते हैं आप ही के पॉइंट पे अगर एफ एक्स यूज करते हो तो तुम्हारे पास तीन अननोन है मैंने पहले बोला आप ये मान रहे हो आप बीसी का आपके पास बीसी आपके लिए अननोन है आपको तो उसका वैल्यू नहीं पता है तो अभी भी बीसी तुम्हारे लिए अननोन है जब तुम बी निकाल रहे हो तो एफ एक्स लगाओगे तीन अननोन सही बात है एफ वाई लगाओगे कितना अननोन आएगा अगर समेशन एफ वाई लगाओगे कितना अननोन आएगा दो मेंबर हॉरिजॉन्टल है दो मेंबर हॉरिजॉन्टल है टू मेंबर्स आर हॉरिजॉन्टल उस मेंबर को छोड़ के बाकी दोनों मेंबर हॉरिजॉन्टल है, तो अगर उस मेंबर को छोड़ के बाकी दोनों मेंबर हॉरिजॉन्टल है और वही एक अकेला इंक्लाइंड है जो वर्टिकल में फोर्स दे सकता है तो ऑब्वियसली बात है वी अगेन आई एम टेकिंग लेफ्टॉप वन वन आप राइट से भी करोगे सेम चीज होगा लेफ्ट लेफ्टॉप वन वन क्या यूज कर रहे हैं समेन एफ वाई इक्वल टू जीरो लेट से अपवर्ड इज पॉजिटिव डाउनवर्ड इज नेगेटिव चलिए सर यहां पे ध्यान देंगे तो मेरे दोस्त यहां पे सबसे पहला काम जो तुमको करना होगा वो ये एंगल निकालना होगा यहां पे जो सबसे पहला काम तुमको करना होगा वो ये एंगल निकालना होगा तो मान लो ये एंगल क्या है थीटा है थीटा बराबर क्या लिखेंगे थीटा बराबर लिखेंगे टैन इनवर्स टैन इनवर्स सामने का लेंथ दो है और हाइट आपका तीन है सो so, टैन इनवर्स टू बाई थ्री कितना आ रहा है बेटा वट इज द वैल्यू ऑफ थीटा ट इज द वैल्यू ऑफ थीटा क्योंकि बिना थीटा आप आगे नहीं बढ़ सकते आपको थीटा का वैल्यू चाहिए होगा यू नीड द वैल्यू ऑफ थीटा यू नीड द वैल्यू ऑफ थीटा आपको थीटा का वैल्यू चाहिए मेरे दोस्त सो वट इज द वैल्यू ऑफ दिस थीटा थीटा का वैल्यू क्या होगा वट इज द वैल्यू ऑफ दिस थीटा बताएंगे वट इज द वैल्यू ऑफ दिस थीटा टेन इनवर्स टू बाई थ्री टेन इनवर्स टू बाई थ्री वैल्यू बताइए थर्टी थ्री पॉइंट एट टू सिक्स नाइन थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स नाइन डिग्री सिक्स नाइन डिग्री चलिए आगे बढ़ते तो थीटा आपने बता दिया मेरे दोस्त अगर हम समेशन एफ आई लगाएंगे अब देखो ये अपवर्ड है ये अपवर्ड है ये

क्या लिखोगे ये आपका थीटा एंगल है तो एफ बी थीटा क्या लिख रहे हैं देखो यहां पे अपवर्ड इज टेन माइनस एफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो क्या हो गया टेन बाई कॉस्टा टेन बाई थीटा और ये वैल्यू आपका आएगा टेंशन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट थीटा व्हाट इज द फाइनल वैल्यू बताओगे क्या आ रहा है वैल्यू बेटा क्या आ रहा है वैल्यू टेल मी वैल्यू यू नो दीटा थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स जान रहे हो सो so अप्लाई करो बी बताओ टेंशन में क्यों आएगा ये समझ में आना चाहिए 12.02 प्रियमन बोल रहा है. प्रियमन इज सेइंग 12.02, 12.01. चलिए रफली ले लेते हैं दैट इज इन टेंशन मजा आया सर मजा आया यहां तक मजा आया यहां तक यस yes. तो मेरे दोस्त एक हॉरिजोंटल मेंबर मिला एक इंक्लाइंड मेंबर मिला दोनों पे हमने ही निकाल लिया। अब तुम बताओ फोर्स इन द मेम्बर ए पर निकालना अगेन जब आप ए पे निकाल रहे हो तो आप ये मान रहे हो कि बी और ए बी और बी सी तुमको नहीं पता है और तुमको फोर्स इन द मेंबर ए निकालना है कौन सा इक्वेशन यूज करें आपको बी नहीं पता है आपको बीसी नहीं पता है आपको फोर्स इन द मेंबर ए निकालना है यू हैव थ्री ए क्वेश्चन आईदर एफ एस आई और मोमेंट विच इक्वेशन यू विल बी अपलाइंग फॉर फाइंडिंग द फोर्स इन द मेंबर ए विच इक्वेशन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर फाइंडिंग द फोर्स इन द मेंबर ए समेशन मोमेंट किसके अबाउट समेशन मोमेंट किसके अबाउट समेशन मोमेंट किसके अबाउट मोमेंट उस पॉइंट पे लगाएंगे जिससे बाकी दोनों पास कर रहा हो एंड दैट पॉइंट इज बी मोमेंट उस पॉइंट पे लगाएंगे जहां बाकी दोनों पास कर रहा हो एंड दैट पॉइंट इज बी सो आई विल फाइंड मोमेंट अबाउट बी क्या बोल रहे हैं फॉर ए क्या यूज कर रहे हैं अगेन हम कौन सा देख रहे हैं लेफ्टॉप वन वन कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं समीशन मोमेंट जो बाकी दोनों फोर्स है वो उससे पास कर रहे हैं तो लेट अस से क्लॉक वाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉक वाइज निगेटिव हाँ सर आइए वापस से नाउ बी पे दस न्यूटन का फोर्स कैसा रोटेशन दे रहा है बी पे दस न्यूटन का फोर्स कैसा रोटेशन दे रहा है बी पे दस न्यूटन का फोर्स कैसा रोटेशन दे रहा है यस yes? साफ दिख रहा है आपको इट इज गिविंग द इट इज गिविंग द क्लॉकवाइज रोटेशन सो बैलेंस कैसे होगा बाय द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लीवर आर्म ऊपर की तरफ है फोर्स का डायरेक्शन बताइए टेंशन में आएगा कंप्रेशन में आएगा

क्या बात फोर्स इन द में मजा आया सर आज इससे पहले फोर्स का डायरेक्शन नहीं पता होता था तुम्हें कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे लेंगे ये देखो दो मिनट में सिखा दिए तो अब दूरी को देख लेते हैं। तो दस का दूरी दो मीटर और लीवर आर्म आपका तीन मीटर देखो यहां सो टेन इंटू टू माइनस फोर्स इन द मेंबर ए मल्टीप्लाई विथ थ्री इज इक्वल टू जीरो फोर्स इन द ए इज इक्वल टू ट्वेंटी बाई थ्री किलो न्यूटन और ये आपका किस में होगा दिस इज इन टेंशन देखो सर हो गया सारा मजा आया यस yes. तो मेरे दोस्त कोई चीज टफ नहीं होता अगर सही से पढ़ लिया जाए मैंने बोला स्ट्रक्चर मेरे लिए गेम है मैं स्ट्रक्चर को एक गेम की तरह खेलता हूं अगर आपने वो गेम की तरह खेलना सीख लिया तो मेरे दोस्त कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं रहेगा कभी इज इट क्लियर अगर आपने मेरे तरह सीख लिया मतलब गेम खेलना सीख लिया जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं अगर उस वैसे खेलते चलो ठीक है कोई भी क्वेश्चन आपका टफ नहीं होता है और अपने से आप नए क्वेश्चन फ्रेम कर पाओगे टेन इंटू फोर होगा ना सर अरे भाई मेरे आ जाओ फिर से आ जाओ तुम बी ए से ये दूरी कितना है दिस इज नॉट फोर मीटर फोर मीटर ये था जो फोर मीटर बात कर रहे हैं हम फोर मीटर ये था मेरे दोस्त ये दूरी सिर्फ दो मीटर है चलिए आते हैं अगले सवाल पे लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्स इन द मेंबर बी सी फोर्स इन द मेंबर बीसी सेक्शन काटो पहले सब एवरीवन कट द सेक्शन एवरीवन कट द सेक्शन सब लोग सेक्शन कट करिए आई वांट टू फाइंड द फोर्स इन द मेंबर बीसी आई वांट टू फाइंड द फोर्स इन द मेंबर बीसी डू लाइक एंड शेयर एवरीवन डू लाइक एंड शेयर सबसे पहला काम है बीसी है सेक्शन कट करना है बीसी है सेक्शन कट करना है तो या तो तुमको ये सेक्शन दिख रहा होगा जो काट सकते हो या तो ये दिख रहा होगा यही दिख रहा होगा यही दिख रहा होगा हो हो या तो तुम वन वन ले सकते हो या तो टू टू ले सकते हो बाकी और कोई नहीं दिख रहा है बाकी और कोई नहीं दिख रहा है आईदर यू कैन टेक वन वन और यू कैन टेक टू टू आइर यू कैन टेक वन वन और यू कैन टेक टू टू यस या तो तुम वन वन ले सकते हो या तो तुम टू टू ले सकते हो सही बात है क्या अब मेरे दोस्त क्या यहां पे सपोर्ट रिएक्शन निकालना जरूरी है क्या यहां पे सपोर्ट रिएक्शन निकालना जरूरी है इज इट नेसेसरी टू डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन नो नीड यू डोंट रिक्वायर सपोर्ट रिएक्शन क्यों एलएचएस में कोई सपोर्ट ही नहीं है यू डोंट हैव एनी सपोर्ट तो आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालने का जरूरत ही नहीं है फिगर देख के डरना नहीं है बेसिक समझना है बेसिक समझना है हाँ सर यू डोंट रिक्वायर टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन तो आप क्या लोगे यू आर गोइंग टू टेक एल एच एस ऑफ वन वन अगर आप वन वन ले टू टू भी ले सकते हो एल एच एस ऑफ वन वन कौन सा इक्वेशन लगाएंगे सर कौन सा इक्वेशन लगाएंगे विच एक्वेशन बी शुड अप्लाई विच इक्वेशन बी शुड अप्लाई एल एच एस ले लिए कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें ताकि मेरे को फोर्स इन मेम्बर बी सी मिल जाए मोमेंट एट जी वेरी गुड उस पॉइंट पे मोमेंट जी का डी हा मोमेंट एट डी उस पॉइंट पे मोमेंट जहां पे बाकी दोनों मेंबर जो कट हुआ है वो पास कर रहा है एंड दैट इज डी डेट इज डी तो मेरे दोस्त डेट इज डी पॉइंट वो आपका डी पॉइंट सो गोइंग टू टेक द मोमेंट अबाउट डी नाउ ये बीस का लोड डी पे कैसा रोटेशन दे रहा है ये का लोड डी पे कैसा रोटेशन दे रहा है बीस का लोड डी पे कैसा रोटेशन दे रहा है इट इज गिविंग योर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन सो बैलेंस बाय द क्लॉकवाइज कौन देगा बीसी देगा क्लॉकवाइज आना है लीवर आर्म नीचे की तरफ है फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट या राइट क्लॉकवाइज आना है लीवर आर्म नीचे तरफ है फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट या राइट अर्पिता क्लॉकवाइज आना है लीवर आर्म नीचे की तरफ है फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट या राइट अभी बताया है अभी बताया है लीवर आर्म नीचे की तरफ है आपको क्लॉकवाइज आना है फोर्स का डायरेक्शन राइट रहेगा तभी तो क्लॉकवाइज होगा राइट इंडिकेट दैट इट इज इन टेंशन राइट इंडिकेट कर रहा है कि क्या होगा टेंशन में होगा राइट right इंडिकेट कर रहा है क्या होगा टेंशन में होगा ठीक है बात सो मेरे दोस्त ट्वेंटी इंटू टू एफ बी सी इंटू टू सो समेषन मोमेंट अबाउट डी इज इक्वल टू जीरोस ए क्लॉक वाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव तो क्या लिख रहे यहां पर फोर्स इन द मेंबर बी सी इंटू टू माइनस ट्वेंटी इंटू टू इज इक्वल टू जीरो सो फोर्स इन द मेंबर बी सी इज इक्वलटी किलो न्यूटन एंड दैट विल बी इन ट देखो ये वन लाइनर होता है और बहुत जल्दी क्वेश्चन बनवाता है आपसे ये वन लाइनर होता है और क्वेश्चन बहुत जल्दी बनवाता है बस प्रोवाइडेड आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए बस प्रोवाइडेड आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए इज इट क्लियर टू ऑल इज इट क्लियर टू ऑल बोलेंगे मेरे दोस्त इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी वन तो क्वेश्चन से डरना नहीं है सबसे पहला रूल है स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर का सबसे पहला रूल है डोंट फियर द क्वेश्चन देख के डरो मत उसके अंदर फील लेने की कोशिश करो स्ट्रक्चर में जब फील लेने की कोशिश करो तो आपका स्ट्रक्चर बहुत आसान हो जाता है चलिए अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्स इन द मेंबर डीएच कितने लोग बताना चाहेंगे फोर्स इन द मेंबर डीएच व्हाट विल बी द फोर्स इन द मेंबर डीएच व्हाट विल बी द फोर्स इन द मेंबर डीएच मेरे दोस्त मैं आप लोगों को पीवाई क्यू भी करवाऊंगा डोंट वरी है ना पीवाई क्यू जरूरी है करना ठीक है ना बिना पीवाई क्यू के सब बेकार है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि जैसे जैसे एक चैप्टर खत्म होते जाएगा वैसे वैसे उसके पीवाई क्यू भी करवा दूंगा ठीक है ठीक है बात तो जैसे जैसे आपका चैप्टर खत्म होते जाएगा वैसे वैसे उसके पीवाई क्यू भी क्या कराते करते जाऊंगे कराते जाएंगे तो उससे क्या होगा आपका एफिशियंसी बढ़ जाएगा क्वेश्चन से डर खत्म हो जाएगा ठीक है इन दी एच अलीम बोल रहा है सर जीरो होगा अलीम बोल रहा है जीरो होगा बाकी क्या बोलते हैं मेरे दोस्त बाकी क्या बोलते हैं वर्टिकल लाइट नहीं चाहिए था नहीं दिए वर्टिकल हाइट नहीं चाहिए था नहीं दिए यस फोर्स इन द मेंबर जीएच मेरे दोस्त सेक्शन कट करिए यही होगा सेक्शन सबने यही सेक्शन काटा होगा तो चाहे तुम लेफ्ट देखो चाहे तुम राइट right देखो तुमको सपोर्ट दिखेगा दिखेगा और सिमेट्री है तो जितना डाउनवर्ड लोड उतना अपवर्ड लोड और दोनों सपोर्ट इक्वली लेगा दोनों सपोर्ट इक्वली लेगा नाउ फॉर फाइंडिंग द फोर्स इन द मेंबर डीएच, अब आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे फाइंडिंग द फोर्स इन द मेंबर आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे फॉर फाइंडिंग द फोर्स इन द देंबर डीएच कौन सा इक्वेशन यूज करोगे यू आर गोइंग टू यूज समेशन एफआई इक्वल टू जीरो और अगर तुम समेशन एफ आई इक्वल टू जीरो लोगे तो नेट वर्टिकल इज इक्वल टू जीरो मतलब यह फोर्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सही बात है क्या इफ यू यूज समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो आपको मिल जाएगा फोर्स इन द मेंबर डीएच इज इक्वल टू जीरो इज इट क्लियर क्योंकि जितना अपवर्ड उतना डाउनवर्ड नेट फोर्स एट अ सेक्शन इज इक्वल टू जीरो वर्टिकल फोर्स तो भाई मेरा अगर नेट वर्टिकल फोर्स जीरो है तो समीशन एफ वाई विल बी इक्वल टू जीरो जब आप लिख रहे हो तो एफ डी एच में कुछ आएगा ही नहीं।, नहीं आया समझ में इसमें था क्या अरे भाई मेरे आपके पास तीन मेंबर कट हुए तीन कट हुए तो दो है एक इंक्लाइन है इंक्लाइन वाले को निकालना है कौन सा इक्वेशन अप्लाई करोगे समेशन है अब वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है जीरो तो अगर कोई नेट फोर्स है ही नहीं अगर कोई नेट फोर्स है ही नहीं तो मेंबर क्या कैरी करेगा कुछ भी नहीं इट विल बी इक्वल टू जीरो इज इट क्लियर इज इट क्लियर टू ऑल समझ में आ गया समझ में आ गया मजा आ रहा है मजा आ रहा है अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्स इन द मेंबर बीसी सेक्शन कट करिए फोर्स इन द मेंबर बीसी सेक्शन कट करिए फोर्स इन द मेंबर बीसी बीसी मेंबर में फोर्स बताना है यूनिट टू टेल द फोर्स इन द मेंबर बीसी यूनिट टू टेल फोर्स इन द मेंबर बीसी चार मेंबर का टोर तो हैं सबके साथ यही हो रहा है सबके साथ यही हो रहा है कोई भी सेक्शन कट कर रहे हो चार से ज्यादा मतलब तीन से ज्यादा ही कट हो रहा है चार तो कट हो रहा है सर तो मेरे दोस्त ऐसे में क्या करते हैं? मेरी बात समझना। मेरे एक बहुत बड़ा हथियार है मोमेंट का अगर हम कोई ऐसा सेक्शन देख ले जिसमें उस को छोड़ के बाकी जितना भी कट हो जाए बाकी जितना भी कट हो जाए सारा सेम जॉइंट से पास कर रहा है तब हम वो सेक्शन को कंसिडर कर सकते हैं और फोर्स निकाल सकते हैं मेरे दोस्त मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं तीन एक था, मोमेंट। अब अगर ऐसा हो रहा है कि आपका तीन से ज्यादा मेंबर कट हो रहा है तो अब सेक्शन को इस तरीके से कट करेंगे कि मेरे दोस्त उस मेंबर को छोड़ के बाकी जितना भी कट हुआ सारा एक जॉइंट से पास कर रहा हो अगर तुम ऐसा पकड़ लिए पॉइंट तो भैया तुम्हारा समेशन मोमेंट लगा के आंसर निकल जाएगा अब बनाओ अब, अब ट्राई करो अब ट्राई करो अब ट्राई करो अब ट्राई करो कोई जरूरी नहीं है जो आप सेक्शन कट कर तो एकदम सीधा कट होना चाहिए बीसी कट होना चाहिए ये तो विदाउट एनी डाउट कि आप ऐसे सेक्शन कट कर सकते हो कैन यू कट द सेक्शन लाइक दिस कैन यू कट द सेक्शन लाइक दिस बोलोगे अब निकाल लो मोमेंट अब मोमेंट निकाल के आंसर निकाल लो आपको बीसी मेंबर कट करना बीसी तो मेंबर का फोर्स निकालना है आपने सेक्शन कट किया अब देखो सीएम आई से पास कर रहा है एनआई भी आई से पास कर रहा है एच आई भी आई से पास कर रहा है निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा आंसर मैंने यही बात बोला कि अगर तीन से ज्यादा मेंबर कट हो रहे हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है समीशन मोमेंट का तो आप उस मेंबर को छोड़ के बाकी सारे मेंबर को एक ही ज्वाइन से पास करता हो आपको दिख गया बस वही तुम्हारा सेक्शन होगा आंसर बताएंगे अब यहां पे अगेन सपोर्ट रिएक्शन निकालने का जरूरत नहीं है आपने ये जो सेक्शन लिया है वन वन इसके ऊपर देखिए आंसर आ जाएगा लुक अब वन वन विल गेट योर आंसर ट्वेंटी किलोमीटर बोल रहा है अलीम अलीम बोल रहे सर ट्वेंटी किलोमीटन होगा ओके टेंशन है कंप्रेशन ये भी बताना अलीम टेंशन है कंप्रेशन ये भी बताएगा बेटा टेंशन में है कंप्रेशन में है ये भी बताओगे यस ट्वेंटी किलोटन कंप्रेशन चलिए बढ़िया देखते हैं ओके सो यू आर गोइंग टू यूज आप पहले लिख लो लुक अप ऑफ वन वन लुक अप ऑफ वन वन क्या बोल रहे हैं भाई समेशन मोमेंट अबाउट आई क्लॉक वाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉक वाइज निगेटिव क्लॉक पॉजिटिव एंटी क्लॉक निगेटिव मेरे दोस्त ये ट्वेंटी कैसा रोटेशन दे रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है बैलेंस हमको करना है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से बैलेंस हमको करना है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से लीवर आर्म राइट की तरफ है मेंबर वर्टिकल है फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा डाउनवर्ड होगा तभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा और अगर ये डाउनवर्ड हुआ तो इट इज टेंशन नॉट कंप्रेशन अगर यह डाउनवर्ड हुआ तो यह टेंशन है कंप्रेशन नहीं है मेरे दोस्त ठीक है तो मेरे दोस्त ट्वेंटी इन टू दूरी कितना है चार माइनस फोर्स इन द मेबर बी सी मल्टीप्लाइड विथ फोर इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू ट्वेंटी किलो न्यूटन एंड दिस इज योर टेंशन नॉट कंप्रेशन आप ज्वाइंट पकड़ो किस ज्वाइंट को आपने देख रहे हो जो ज्वाइंट आपका दिखेगा उसके रेस्टोरेंट बताना है टेंशन है कंप्रेशन इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछो इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछो एनी वन हैविंग एनी डाउट प्लीज आज हाँ सर कोई डाउट है कोई डाउट है किसी को अभी पूछेगा किसी को कोई डाउट है अभी पूछेगा ंग एनी डाउट क्लियर है क्लियर है इज इट क्लियर टू और चलिए फिर दोस्त आगे बढ़े फिर तो अगर सेक्शन काटना चाह रहे हो तीन से ज्यादा मेंबर कट हो तो रहा है ऐसा सेक्शन चुनो कि उस मेंबर को छोड़ के बाकी सारे एक ज्वाइंट से पास कर रहे हो देन यू कैन कट द सेक्शन अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्स इन द मेंबर U3 M1 फोर्स इन द मेंबर U3 M1 फोर्स इन द मेंबर U3 M1 लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे फोर्स U3 M1 में कितना होगा हाँ सर ये आपको हाइट गिवन है 1.5 मीटर 1.5 मीटर दिस इज गिवन टू यू दिस इज गिवन टू यू आपसे बोल रहा है कि यू थ्री एम वन में फोर्स क्या होगा थ्री पैनल्स इसको बोलते हैं पैनल देखो यहां पे एक पैनल दो पैनल तीन पैनल तो ये सारे आपके पैनल्स हो गए आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स इन द मेंबर यू थ्री एम वन बताएंगे मेरे दोस्त यस yes? मोर देन थ्री मेंबर कट हो रहा है तो क्या करे फिर मोर देन थ्री मेंबर कट हो रहा है सर और कोई अरास्ता नहीं दिख रहा है सर सोचो सोचो दिमाग लगाओ मैं बोलूं कि नहीं सर आपका सिर्फ तीन मेंबर कट हो रहा है तीन से ज्यादा नहीं कट हो रहा है ओनली थ्री मेंबर्स आर गेटिंग कट ओनली थ्री मेंबर्स आर गेटिंग कट सर तीन से ज्यादा कट नहीं हो रहा है ओनली थ्री मेंबर्स आर गेटिंग कट बोलोगे सर ऐसे ऐसे सर बोले ऐसा ही है सर यस yes. <laughs> मेरे को यहां पे ब्रह्मास्त्र तीन दिख गया सर मेरे को यहां पे ब्रह्मास्त्र तीन दिख गया सर और अगर मेरे को ब्रह्मास्त्र तीन गया सर तो अब हम जब सेक्शन काटेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ हमको सिर्फ और सिर्फ तीन मेंबर कट होता हुआ दिखेगा हमको सिर्फ और सिर्फ तीन मेंबर कट होता हुआ दिखेगा अब तो सर आसान हो गया हमारे लिए अब तो सर आसान हो गया हमारे लिए चलिए अब तो आसान हो गया हमारे लिए फोर्स निकालना पड़ेगा तो आप सबको जानते हो कि अगर पॉइंट लोड लगा हुआ है अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है पॉइंट लोड लगा हुआ है पॉइंट लोड लगा हुआ है ए और बी टोटल लेंथ एल तो ये दूरी होता है पीबी बाई एल ये होता है पीबी बाई एल और दूसरा होता है पीए बाई एल यही लगाना है आपको यही लगाना है आपको टू अप्लाई दिस नीड टू अप्लाई दिस यूनिट ऑफ्लाई पीबी बाई एल पीए बाई एल टू अप्लाई पीबी बाई एल पीए बाई एल एक सौ अस्सी है इधर आपका चार पैनल उधर आपका दो पैनल टोटल आपके छह पैनल तो एक सौ अस्सी इंटू दो बटे सो दिस इज ऑलमोट थ्री सिक्स और इधर आपका हो जाएगा एक सौ बीस वन ट्वेंटी तो कोई पकड़ सकते हो एलएचएस आरएचएस जो तुम्हारा मन करे वो पकड़ो और फोर्स का वैल्यू बताओ टेंशन में कंप्रेशन में ये बताओ कैसे बोल रहा है सर सिक्सटी रूट टू टेंशन होगा सर कैसे बोल रहा है सर सिक्सटी रूट टू टेंशन होगा कैसे बोल रहा है सर सिक्सटी रूट टू टेंशन होगा <laughs> बाकी बताइए सर क्या होगा बाकी बताइए क्या होगा कट द सेक्शन वन वन अलीम बोल रहा है सर कंप्रेशन होगा सिक्सटी टू टू कंप्रेशन होगा हाँ सर बताएंगे बताएंगे लेट अस टेक एलएचएस ऑफ वन वन अपवर्ड बैलेंस बाई डाउनवर्ड विदाउट एनी डाउट लेकिन मेरे दोस्त, आप यू थ्री देख, मतलब, देख रहे हो और M1 joint के तरफ है अवे नहीं आप U3 देख लिए, इसलिए आप गलती बता दिए। आप एल एच एस देख रहे हो तो अगर आप एल एच एस देख रहे हो आपको कौन दिखेगा एम ज्वाइंट दिखेगा और अगर एम ज्वाइंट दिखेगा इट इज टूर्ड द ज्वाइंट मेरे दोस्त नॉट इट इज नॉट इन टेंशन इट इज इन कंप्रेशन ये एंगल आपका फोर्टी फाइव है यहां पर क्या लिखोगे एफ एम वन यू थ्री कॉस फोर्टी फाइव दिस इज इक्वल टू सिक्सटी तो एफ एम वन यू थ्री इज इक्वल टू सिक्सटी बाई कॉस फाइव दिक्सटी रूट टू और ये आपका किसमें हो गया दिस इज इन कंप्रेशन मजा आया सर मजा आया कि नहीं आया इट इज कंप्रेशन नॉट टेंशन बेटा इट इज कंप्रेशन नॉट टेंशन वैल्यू निकालना सीख गए अब बस थोड़ा ज्वाइंट को भी पकड़ लो ढंग से कि कौन सा ज्वाइंट तुमको दिख रहा है उसी के करिस्पॉन्डिंग बताओ टेंशन या कंप्रेशन ठीक है इज इट क्लियर अरे बोलेगा अरे बोलेगा यस yes. मजा आया सर हमने अच्छे खासे न्यूमेरिकल बना लिया मेथड ऑफ सेक्शन का बेसिक्स या जितना आपको चाहिए गेट पॉइंट ऑफ व्यू सारा बता दिया मेरे दोस्त कल हम लोग एप्लीकेशन पर एंटर करेंगे और कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऑलमोस्ट एटी टू 90 परसेंट चांस आता है पूछने का क्योंकि उसमें मेथड ऑफ सेक्शन मेथड ऑफ जॉइंट सब मिल जाते हैं तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है बी रेगुलर इन द क्लास तुम देख रहे हो कि कैसे पहले दिन का अटेंडेंस फिर सेकेंड देन थर्ड ऐसा ही होता है ऐसा ही होता है मेरे को ही पहला दिन आते क्यों मेरे को ये लिटरली समझना अगर तुमको कंटिन्यू नहीं रखना है देन वाई यू ज्वाइन फर्स्ट डे यू शुड नॉट ज्वाइन बट ठीक है कोई इशू नहीं है मैं आपको एक ही बात बोलता हूं कि बी कंटिन्यूस ठीक है बी कंटिन्यूस अगर तुमको इससे बढ़िया कंटेंट कहीं मिल जाए तो मेरी गारंटी है स्ट्रक्चर में ऐसे मतलब इस तरीके से नो वन कैन गिव दिस कंटेंट तो ठीक है वो चीज तुमको धीरे धीरे समझ में आएगा वो चीज तुमको धीरे धीरे समझ में आएगा चलिए सो so, मेरे दोस्त स्पेशल क्लास अटेंड करते रहो कल आपका स्पेशल क्लास दो स्पेशल क्लास होगा एक स्पेशल क्लास जिसमें मैं अभ्यास सीरीज रखूंगा जियोटेक का जो कि होगा एक बजे

एंड थैंक यू सो मच सो कीप लाइक इन द वीडियो शेयर करते रहो ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया अभी तक एंड डू हिट द बेल आइकन ठीक है तो फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में डोंट मिस द टमोरो क्लास बी रेगुलर ठीक है तभी आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड लेट्स इट टिल देन बाय बाय The and ESE Civil Engineering exam may be tough, the syllabus may be vast, but with the right guidance, strategies, in depth topic wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack Civil Engineering for and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started.